हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपके सी प्लस प्लस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं पेपर के अकॉर्डिंग, वो सभी पॉइंट्स इसमें डाले हैं। जो भी आप लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं आपके कंप्यूटर साइंस के, उनसे जो भी आए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस मैंने इसे में डाले हैं आपके, फॉर DSSB PGT कंप्यूटर साइंस, जो आपके 11 को एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके सी प्लस प्लस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस आपकी क्या होती है, ये आपकी पूछ ली जाएगी कि आपकी सी प्लस प्लस होती क्या है। तो सी प्लस प्लस जनरल पर्पस के सेंसिटिव फ्री फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। सी प्लस प्लस आपकी मिडल लेवल लैंग्वेज है, ये सपोर्ट करती है बहुत हाई लेवल एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिए किसने डेवलप किया है आपका और कहाँ पर डेवलप हुआ है। ये सबसन 1980 USA, ये बाई किसे द्वारा, बैल लेबोरेटरी, ये सब आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। फाउंडेशन अच्छे से लर्न कर लीजिए सी का और सी प्लस प्लस का, एक क्वेश्चन आपका पक्का है। सी प्लस प्लस कीवर्ड्स आपके, सी के कीवर्ड्स आपके 32 है, वो सारे कीवर्ड्स आपके सी प्लस प्लस में यूज हुए हैं। कौन से है? ऑटो ब्रेक केस, कैश कंस्ट, कॉन्टीन्यूस रिकॉल टू, डबल एल्स एंड नम, एक्सटेंड फ्लोट, फोर गो टू, ई पी इन, लॉन्ग रजिस्टर, रिटर्न शॉर्ट, साइन साइज ऑफ स्टैटिक स्टैक्स, स्विच टाइप, डिफ्ट, यूनियन एंड साइन, वॉइड, वोल्टाइल, वाइल। और सी प्लस प्लस के आपके एक्स्ट्रा 30 कीवर्ड्स है वो ऐड हुई है। तो आपकी सी प्लस प्लस में टोटल कितने हैं, 65 कीवर्ड्स है। सी प्लस प्लस के आपके ये 30 कीवर्ड है, एक्सप्लिसिट ऑपरेटर, डिस, डिलीट, टाइप आईडी, न्यू, टेम्पलेट, इनलाइन, म्यूटेबल, टाइप नेम, स्टैटिक कास्ट, फ्रेंड, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, यूजिंग, ये फॉर प्राइवेट, थ्रो, ट्रू, वर्चुअलर, बुल, कैच, सिट, क्लास, कॉन्स्टर, कास्ट, ट्राई, ये सब आपके है। उसके बाद ऑपरेटर से कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं, जैसे बाइनरी ऑपरेटर कौन कौन से आपके, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो अर्थमेटिक में आपके प्लस माइनस स्टार डिवाइड परसेंटेज आते हैं, रिलेशनल मोटर में लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, डबल इक्वल और नॉट इक्वल आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर में आपकी एंड और नॉट आते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर में आपकी एंड आता है, सिंगल एंड, ये डबल है, लेफ्ट राइट, ये सब आपके बिटवाइज ऑपरेटर में आते हैं। और असाइसमेंट ऑपरेटर में इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, स्टार इक्वल वाली साइन आते हैं आपके, ठीक है। यूनिवरी ऑपरेटर आपके प्लस प्लस माइनस माइनस होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर आपके क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑपरेटर से क्वेश्चन आपका आएगा। अब पोस्ट फिक्स आपके ऑपरेटर कौन से होते हैं, एसोसिएटिव पूछी जाती है, लेफ्ट टू लेफ्ट है, यूनियरी की आपके राइट, ये आप एक चीज़ याद कर लीजिए, लेफ्ट टू राइट वाले याद कर लीजिए तो आपको वो याद रहेंगे। तो पोस्ट फिक्स की लेफ्ट, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की आपके जो मल्टीप्लाई करते हैं आप वो सब लेफ्ट, उसके बाद शिफ्ट की लेफ्ट होती है, रिलेशनल की लेफ्ट होती है, बिटवाइज ऑपरेटर की लेफ्ट होती है, राइट कम है लेफ्ट जाता तो आप राइट याद कर लीजिए, कंडीशन ऑपरेटर की लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट होती है, बिटवाइज और की राइट टू लेफ्ट होती है, उसके बाद इक्वलिटी की राइट टू लेफ्ट होती है, उसके बाद आपके एडिशन की राइट टू लेफ्ट होती है, उसके बाद यूनियरी की आपकी राइट टू लेफ्ट और सब आपकी लेफ्ट टू राइट होती है। उसके बाद कुछ आपका कॉमा की आपकी लेफ्ट टू राइट होती है। आगे है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या होती है। ऑब्जेक्ट मीन्स ए रियल वर्ल्ड एंटिटी सच ए पेन, चेयर, टेबल एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इज ए मेथोलॉजी और पैडियम टू डिजाइन ए प्रोग्राम यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट सिमिलर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेन बाय प्रोवाइडिंग सम कंसेप्ट। जैसे ये सब आपकी ऑब्जेक्ट है, चेयर, फैन, बाइक, पेन, कीबोर्ड एक्सेट्रा।
कुछ आपके कंसेप्ट है जो कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या आपका है? एनी एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल चेयर, पेन, टेबल, कीबोर्ड, बाइक एक्सेट्रा। क्लासेस, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द क्लासेस। इट इज ए लॉजिकल एंटिटी। इनहेरिटेंस, व्हेन वन ऑब्जेक्ट अक्वायर्ड ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ प्रेजेंट ऑब्जेक्ट, ओके, नोन एज इनहेरिटेंस। इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजिबिलिटी। इट इज यूज टू अचीवमेंट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, व्हेन वन टास्क इज परफॉर्म बाय डिफरेंट वेज, नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जाम्पल, टू कंसीव द कस्टमर डिफरेंटली, टू ड्रॉ समथिंग ए शार्प और रेक्टेंगल एक्सेट्रा। इन सी प्लस प्लस वी यूज फंक्शन ओवर लोडिंग एंड फंक्शन ओवर राइडिंग टू अचीवमेंट पॉलीमॉर्फिज्म। अब्स्ट्रैक्शन के आपका हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनलिटीज, नोन एज अब्स्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, फोन सेल, वी डोंट नो द इंटरनल प्रोसेसिंग। इन सी प्लस प्लस वी यूज अब्स्ट्रैक्शन डाटा क्लास एंड इंटरफेस टू अचीवमेंट अब्स्ट्रैक्शन। एनकैप्सुलेशन आपकी क्या होती है? बाइंडिंग और रैपिंग कोड एंड डाटा टूगेदर इन टू ए सिंगल यूनिट इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, कैप्सूल, इट इज रैप किसे होती है? डिफरेंट मेडिसिन से। सी प्लस प्लस रिक्रेशन से आपका क्वेश्चन आता है, व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड विद इन द सेम फंक्शन, इट इज नोन एज रिक्रेशन इन सी प्लस प्लस। द फंक्शन विच कॉल द सेम फंक्शन इज नोन एज रिग्रेशन फंक्शन। नेक्स्ट देखिए, ए फंक्शन दैट सेल इटसेल्फ एंड डज नॉट परफॉर्म एनी टास्क आफ्टर फंक्शन कॉल, इट नोन एज टेल रिग्रेशन। इन टेल रिग्रेशन वी जनरली कॉल द सेम फंक्शन एंड द रिटर्न स्टेटमेंट। सी प्लस प्लस स्ट्रक्स, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आते हैं। सी प्लस प्लस क्लासेस एंड स्ट्रक्स आर ब्लूप्रिंट दैट आर यूज इन टू क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ क्लास। स्ट्रक्स आर यूज फॉर लाइट वेट ऑब्जेक्ट सच एज रेक्टेंगल, कलर, point, etc. And like class text in C++, the value type that reference type. Then it is used when you have data that is not instance to be modified after the create steps.